उसको छत पर से ढकेल दिया गया, मर्डर कर दिया। आइए कि हम लोग किसके पास जाए न्याय मांगने के लिए। ना प्रशासन सुन रहा है, ना थाना सुन रहा है, ना एएसपी सर सुन रहा है। हम लोग के प्रशासन द्वारा बहुत डराया धमकाया जा रहा है। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला पटना के फुलवारी शरीफ का है, जहां 7 अक्टूबर को 2022 में एक युवक अनूप कुमार नाम का युवक को जान मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है और उसकी शव जो है सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। तो पूरा मामला हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। उनके पूरे परिजन जो हैं वो पहुंचे हैं सरदार पटेल भवन में बिहार के डीजीपी से मुलाकात करने। कई लोगों के गुहार इन्होंने लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में जो है पूरे परिवार के लोग पहुँचे हैं डीजीपी से गुहार लगाने के लिए कि जो अपराधी हैं वो पुलिस के चंगुल से फरार है। कहीं ना कहीं अब जो है डीजीपी का सहारा ले रहे हैं, सीनियर एसपी का सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं थाना जो है फुलवारी थाना आनाकानी कर रही है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में। उनकी बहन है जो अन्नू की हत्या हुई है, उनके परिजन हैं, उनके पिताजी हैं, माँ है, तमाम लोग हैं। उनके हाथों में ये जो कागज़ है वो महानिदेशक यानी बिहार के डीजीपी से मिलने के लिए तमाम कांड संख्या इसमें लिखे गए हैं। सीनियर एसपी को इन्होंने मुलाकात किया है, सिर्फ आश्वासन मिला है। 7 अक्टूबर की हत्या हुई यानी आज करीबन 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अपराधी जो है वो पुलिस के चंगुल से फरार है। पूरा मामला हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं, क्या हुआ था पूरी घटना बताएं। मेरी भौजाई का वे संबंध था, दो लड़के के साथ पता नहीं है, और बाहर में कितने लड़कों के साथ चल रहा है ये नहीं पता है, लेकिन खुलेआम ओपन दो लड़के के साथ चल रहा था। दोनों ही अपना सगा भाई था, और एक तीसरा वाला भाई बीच वाला जो भाई था उसके साथ मेरी भतीजी का फिर चल रहा है, जिसका नाम कर्ण कुमार है। आखिर कारण क्या है, भौजाई आपकी जो है वो आपके भाई की क्यों हत्या करेगी, आखिर वजह क्या है? इसलिए कि मेरे भाई का कम से कम फुलवारी शरीफ में 3.5-4 बीघा प्रॉपर्टी था। उन लोग का प्लान था कि इसको मार के इसका सारा संपत्ति बाप बेटा को मार के हड़प लिया जाए। ऐसा नहीं ना है कि आपकी जो भौजाई है भाभी जिसको कहते हैं रिश्ते में, ये सोच रहा हो कि बाप जो है हमारा बेटी को संपत्ति दे दे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ? बेटी इसका कभी कोई आना जाना नहीं था, बेटी का कभी कतल मैं के तो चलिए एक आध घंटा आ गए, लेकिन कोई बेटी का आना जाना यहाँ नहीं था। इसलिए कि उसका माहौल इतना गंदा कर दी थी कि हम लोग शर्म के मारे यहाँ आना जाना छोड़ दिए थे, और ना कोई हम लोग का संपत्ति में हिस्सा लेने का इरादा था। इसलिए कि हम लोग अपना हंसी खुशी परिवार में रहते हैं, जो कमाते हैं वही खाते हैं, हम लोग का कोई लेन देन नहीं है इस संपत्ति लेने का। लेकिन आपकी भाभी क्या करती हैं, मतलब किस तरह की विचारधारा की हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम? उसका शादी से पहले से उसका चाल चलन ठीक नहीं था, हम लोग खुद जान रहे थे। पहले भी उसके चक्कर में उसके नैहर में मर्डर हो चुका था एक लड़का का। कहाँ की रहने वाली है? हथियाकंसराय की रहने वाली है, जो कुर्मी था, लोक कुमार था, इसी के चक्कर में वो उसकी आत्महत्या कर लिया था। कौन कास्ट का है? हम लोग यादव कास्ट के हैं। वो लोग कुर्मी था वहाँ वाला, वो भी एक ही लड़का था, इसी के चलते वो भी आत्महत्या कर लिया था। दूसरी शादी है? नहीं दूसरी नहीं, उसके साथ भी इसका फेर था शादी के बाद। शादी के बाद भाभी कौन कास्ट की है? यादव जी है हम लोग। अच्छा, वो आपकी जो? वो भी यादव जी है। अच्छा, हम लोग कास्ट भाई हैं। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? हम आरा में रहते हैं, मेरा शादी आरा में हुआ है। मतलब आपके भाई का घर कहाँ है? उफरपुरा होता है, फुलवारी शरीफ में उफरपुरा पड़ता है। कैसे सूचना मिली कि आपके भाई की हत्या हो गई? फोन पिताजी किए कि छत पे से, उसको 9:30 बजे रात में फोन किए कि अथी छत पे से ना उसको सब लोग फेंक दिया है। सब लोग अगल बगल के खड़ा था, मारपीट कर रही थी रात में, लोग के घर से बाहर निकाल चुकी थी, मार दिया, मर्डर कर दिया। उसके बाद तीन कोई बात नहीं। कहाँ पे? आपके घर पे कि बाहर में कहीं और मारा? ना फरपूरे घर में इसको मार पीट कर रहा था, हमके घर में ही ढकेल दिया। आओ हम चले गए थे दूध लाने, दूध लाके माए बेटी के घर से बाहर कर दी, उसको छत पर से ढकेल दिया गया और ठेल के हल्ला किया गया। क्या नाम हुआ आपकी भौजाई का? मीना देवी। तो देखिए ये आँख के आंसू जो हैं वो सुख नहीं रहे हैं। बुढ़ापा का सहारा अगर कोई होता है तो उसका बेटा होता है, लेकिन जब बेटे का साया अपने ही बाप से कंधे देना पड़े तो ये सर बहुत ही जो है दुख की बात है, और कह सकते हैं कि ये दुख की घड़ी है। और अब जो है डीजीपी के सहारे
पहुंचे हैं डीजीपी के जनता दरबार में मिलने के लिए, लेकिन आज बिहार के डीजीपी एसके सिंघल जो है वो नहीं है, मौजूद नहीं है किसी कारणवश से। अभी आप लोग कहाँ पहुँची है? डीजीपी के सर के पास पहुँचे हैं। क्या बोला गया? बोला गया गार्ड लोग बोला कि आज नहीं मिलेंगे, शुक्रवार के दिन मिलेंगे, 10 बजे से जनता दरबार लगती है। तो देखिए मेरा सुनवाई होता है कि नहीं, हम लोग क्या करें, गरीब कहाँ। अभी तक गए? अभी हम तेजस्वी के पास गए थे परसों शाम में, कल परसों शनिवार के शाम में गए थे, तो हमको मिले, आवेदन दिए उसके पास। उसके बाद जो फुलवाड़ी थाना का दरोगा था उसको सस्पेंड कर दिया, इसलिए कि उस पर बहुत क्राइम करने का ना बहुत सा उस पर दोष था पहले से। जिस पर आप लोग केस किए हैं वो लोग फरार है? हाँ, सब फरार है। किसके किसका नाम दिए हैं आप? कर्ण कुमार, कुंदन कुमार, कुणाल कुमार। कौन है? उसकी माँ शोभा देवी या मीना देवी या कुछ। ये लोग कौन है आपके? ये मेरी भौजाई का सब, ये नहीं रिश्तेदार नहीं है, सब उसी के साथ रहती, उसी के साथ अफेयर चलता है उस लोग का। माँ भी क्यों किया इस तरह के घटना? उस तरह की घटना संपत्ति के चलते, आपकी संपत्ति को हड़पने के लिए? जब 15 कट्ठा जमीन दे के बेच के अब मेरा भाई उसको भौजाई दे चुकी है, लड़ाई झगड़ा मारपीट करके 15 कट्ठा जमीन बेच के फुलवारी शरीफ में उसको दिया गया। कहीं भी जाके आप पूछ सकते हैं, किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, फिर भी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये संपत्ति की लड़ाई है, और इनकी जो भाभी हैं, अनु की जो पत्नी है, भले अनु की हत्या कर दी गई लेकिन उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, क्योंकि बूढ़े बाप का सहारा अगर कोई था तो वो बेटा था, लेकिन बेटा को भी जान से मार दिया। अपराधी जो है वो अभी तक चंगुल से फरार है, पुलिस पूरी जो है थाना, पुलिस थाना फुलवारी थाने जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है अपराधी को पकड़ने में, ऐसे अपराधियों को। और अब जो है डीजीपी के सहारे ही लोग, उनके परिजन जो हैं, उनके माँ हैं और उनकी बहन, उनके पिताजी, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं डीजीपी कार्यालय में, और जनता से डीजीपी के जनता दरबार में पहुँचे हैं, लेकिन डीजीपी के जनता दरबार में उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अब देखना होगा कि कब तक ये अपराधी पकड़े जाते हैं, क्योंकि सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है बिहार में, अपराधी जो है वो बसते नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि सुशासन की सरकार में अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ, और देखते रहे देश न्यूज़।